तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर तुम लोगों का दिमाग इंजर्ड है, फिर तुम लोग, मैं मानता हूँ, आदि पुरुष मूवी देखे हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, किसी का तो बॉलीवुड से भरोसा उठ ही हो गया होगा तुरंत। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका मूवी से भरोसा उठ गया होगा। तो मैं भाई बॉलीवुड का तो भाई कुछ भी नहीं कह सकता कि भाई तुम लोग नहीं, कुछ तो विश्वास करो। मेरा विश्वास भी उठ चुका है, बहुत समय से मैं झेल रहा हूँ इस बॉलीवुड को। लेकिन मूवी देखना मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में और चीज़ें और इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अच्छी मूवी देती है। उसी तरीके से मैं तुम्हारे लिए एक मूवी लेके आया हूँ भाई। मैं तुमको ये मूवी रिकमेंड करूँगा छाती ठोक कर कि ये तुम्हें, तुम्हारी आंखों को ठंडक देगा इस गर्मी के सीजन में। तो फिर वो मूवी है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन पार्ट वन का सेकेंड वर्जन है, जो कि इसमें एक्शन लेवल एक अलग लेवल पर लेके जाके गया है। इसमें तुम्हें भाई अपना क्या है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और क्या मेरी जान कुछ बात नहीं। हाँ, तो आते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी ये है कि शुरुआत में जब अपना टाइलर से फर्स्ट पार्ट में होता है, तो उसमें लास्ट में इंजर्ड हो जाता है, मरने के कगार पर होता है। यहाँ तक इतना भी बता दिया जाता है, हो सकता है टाइलर मर गया। लेकिन जिस तरीके से उस मूवी की भाई सक्सेस होती है, तो फिर नेटफ्लिक्स वाले लालच में पड़ते हैं, भाई टाइलर को जिंदा करो यार। तो फिर जिंदा कर देते हैं उसको, बांग्लादेश से सीधा लेके आके ऑस्ट्रेलिया में उसको भाई एकदम मस्त दवा दारू एकदम करते हैं, वो मस्त ठीक हो जाता है। बस थोड़ा बहुत लंगड़ाता रहता है। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात होती है इड्रिस भाई के साथ। अरे भाई इड्रिस युवा और भाई ये जब अपने थॉर मिलते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि यार कमाल की इनकी तू तू मैं में होनी है। लेकिन उतना भी कमाल का नहीं होता, लेकिन जो भी होता है मज़ेदार होता है। वो भी भाई साहब एकदम नेक्स्ट लेवल के भाई कर देते हैं, पूरी की पूरी एक जो है बियर की बॉटल को एक ही सांस में उन्होंने ख़त्म कर दी। मैं कह रही भाई ये क्या कर रहे हो, मतलब अभी इस मूवी में। और एक बात करी जाए तो 21 मिनट का नॉन टेक शॉट लिया गया है भाई, वो भी एक्शन शूट किए गए हैं। और वो एक्शन सीन जो है एक जेल में से और फिर उसको छुड़ाने तक का रहता है, मतलब वो ट्रेन एक्सीडेंट तक का शूट किया गया, एकदम कमाल के लेवल का। शुरुआत से ग्राउंड लेवल से इन्होंने स्टार्ट करी होती है, फिर उसके बाद गाड़ी बाइक एक जो चार पहिए बाइक होती है उसमें चारों सीट को कवर करती है। ये भाई अजीब लेवल का भाई सिनेमेटोग्राफी, अजीब लेवल की भाई एनर्जी इन लोगों के अंदर दिखी गई। आज तो मैं तो ये देखकर एकदम दंग ही रह गया हूँ किस तरीके का ये लोग बनाए हैं ये सिनेमा। 21 मिनट का वन टेक शॉट, ओह माय गॉड, मैं पागल हूँ ये चीज़ें जानने के लिए इन्होंने ये कैसे किया। और फिर बात करी जाए तो हाँ, यहाँ तक भाई ट्रेन से लेकर फिर उसके बाद एक नहीं दो नहीं तीन तीन हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल फाइट, गोली बंदूक बारूद सब कुछ यूज कर रहे हैं। वन टेक शॉट में सब कुछ ले लिया जा रहा है, यहाँ तक ट्रेन को इंसिडेंट करा दिया जा रहा है। फिर उसके बाद ट्रेन के बाहर तक कैमरा रख के शूट करके मस्त उसको एक्शन को भाई हर एक एंगल से दिखा रहे हैं। अजीब तरीके की यार सिनेमेटोग्राफी इन्होंने यूज की है, कैमरा एंगल को लिया गया है वो भी वन टेक शॉट में। इसके बारे में कितना ही बात करूँ, उसकी तो भाई तारीफ तो यार करनी तो बनती है, क्योंकि भाई जो कोई तारीफ के काबिल काम करेगा उसको तो तारीफ मिलनी चाहिए। आदि पुरुष की तरह एकदम मकचौदी वाला काम करेगा तो उसको गालियाँ भी सुनना है उसको, और भी सुनाया भी जाएगा अपने भी तरफ से। तो फिर हाँ, ये अलग हुई। अब कहानी मात्र इतनी सी है कि दो भाई होते हैं, वो गैंगस्टर होते हैं, इतने बड़े गैंगस्टर पॉलिटिशियन को अपनी जेब में रखते हैं। और फिर ये तरीके का भाई पागलपन इनके अंदर रहता है, वो ये भी एकदम टाइलर जैसे एकदम पागल एकदम बंदा है एकदम। दोनों की जब लास्ट में फाइट होती है वो भी देखने में काफ़ी मज़ा आता है। ये तो देखो स्पॉइलर देना मेरा वो काम नहीं है, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता। और फिर लास्ट में तुमको मस्त इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी, जो कि भाई मस्त लेवल का मजा देगा। लेकिन इसमें मध्यांतर में भी तुम्हें इन लोगों का फाइट बिल्डिंग पे देखने को मिलेगा, वो भी एकदम मज़ेदार है। टोटल आल बोले तो भाई ये मूवी ने सुकून दी मूवी है यार, कितना बड़ाई करो इसके बारे में। और लास्ट में टाइलर जो है बचा पड़ा रहता है इसमें रहता है, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वो आ जाता है। फिर उसके बाद अब वो उससे घिरा पड़ा हुआ है, वो अपनी एक्स बीवी के बहन को बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है। वो फिल्म तुम अगर जॉन विक देखे होगे तो जिस तरीके से होटल से वो जुड़ जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, हो सकता है इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिले। लेकिन अभी तो पार्ट 3 में ही पता चलेगा। लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें अगर इसकी खूबियों की, तो बहुत लंबी लिस्ट है उसके बारे में बात करें। अगर आदि पुरुष की बुराई की बात करें तो उसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, उसके बारे में भी बात करने में भी बहुत टाइम चला जाएगा। ओवरऑल बोले ब्रो तुम जाके ये देखो और मजे लो भाई, एकदम सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा, सच सुकून। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ब्रो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।